hello everyone welcome to gate academy plus this is ranjan and again i am there with you with the videos of basic electrical engineering on module number three and our today's topic for this video is the connection of three-phase ac specifically in delta type so in, the, in our previous video we were discussing about the connection of three-phase balanced ac in a star connection this video i am going to discuss star connection may balance system kociamlo express karinge सेम वीडियो में हम लोगों ने यह भी बात किया हुआ था कि रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस क्वांटिटीज क्या होती हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करना है और यही सारा कुछ हम लोग आज एक्सप्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में बट डेडिकेटेडली फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम तो बैलेंस्ड थ्री फेज ए कनेक्शन होगा डेल्टा टाइप और उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे कि डेल्टा के अंदर लाइन और फेस क्वांटिटीज होती कौन कौन सी है उसके कनेक्शन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है एंड ऑल्सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस क्वान्टिटी और देखेंगे कि लाइन करेंट फेस करेंट के फॉर्म में क्या रिलेशन होते हैं और लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के फॉर्म में क्या रिलेशन होते हैं जब बैलेंस डेल्टा कनेक्शन अप्लाई किया जाता है थ्री फेज सिस्टम पे तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि डेल्टा कनेक्शन में होता क्या और किस टाइप के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन तो मैं आपके लिए क्विकली एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट फॉर अ कनेक्शन ऑफ थ्री फेस बैलेंस सिस्टम इन डेल्टा कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन का स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन

कि हमारे पास तीन सेट ऑफ कंडक्टर्स है ठीक है अगर मैं ये जनरेटर के लिए पूरा एक्सप्रेशन करने जा रहा हूं जैसा कि मैंने स्टार के केस में किया था तो उसके लिए मैं ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं ठीक है तो मैंने क्या किया हुआ है तीन सेट ऑफ कंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ बैक टू बैक अरेंजमेंट में कनेक्ट करके रखा हुआ है तो बैक टू बैक अरेंजमेंट बोलने का मतलब यह है कि जहां पे एक सेट ऑफ कंडक्टर एंड होता है उसके एंडिंग पॉइंट से दूसरा सेट ऑफ कंडक्टर शुरू होना चाहिए दूसरा सेट ऑफ कंडक्टर जहां पे एंड होगा वहां से तीसरा सेट ऑफ कंडक्टर शुरू होगा और तीसरा जहां एंड होगा वहां से फिर पहला कंडक्टर शुरू होगा एक चेन प्रोसेस होगा यहाँ पे ठीक है सो दैट एनी सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज अ बैक टू बैक अरेंजमेंट तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है इस पॉइंट को लिखा हुआ है वन इस पॉइंट को एक्सप्रेस किया हुआ है इस पॉइंट और इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंट थ्री एक प्रॉपर एक मैंने सीक्वेंस बना दिया ठीक है सो so, एक वाइंडिंग का सेक्शन जो है वो फ्रॉम वन टू टू है दूसरा वाइंडिंग टू टू थ्री और तीसरा वाइंडिंग थ्री टू वन ठीक है तो फर्स्ट वाली सेक्शन की वाइंडिंग जहाँ एंड हो रही है वहां से सेकेंड वाइंडिंग शुरू हो रही है सेकेंड जहाँ एंड हो रहा है वहां से थर्ड और थर्ड जहाँ एंड हो रहा है वहां से वापस से फर्स्ट तो ये दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज डेल्टा फॉर्मेशन यूजअली इसको कई बार ऐसे डेल बना के भी शो कर दिया जाता है ट्रैंगुलर फॉर्म में ठीक है तो ये डेल्टा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है तो अब जैसा कि आपने स्टार का वीडियो अगर हमारा देखा होगा पिछली बार का स्टार कनेक्शन में कैसे लाइन और फेस क्वांटिटीज को हम लोग एक्सप्रेस करते थे तो उसी के फॉर्म में एक बार डेल्टा के अंदर भी एक्सप्रेस कर लेते हैं हम लोग तो देखते हैं कि यहां पे लाइन और फेस क्वांटिटी का एक्सप्रेशन होता कैसा है तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे वोल्टेज को सीक्वेंस के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो वी वन टू वन से टू पॉइंट के बीच की वोल्टेज पॉइंट टू से थ्री के बीच की वोल्टेज विल बी वी टू थ्री और थ्री से वन की वोल्टेज वी थ्री वन अगर मैं पॉजिटिव फेस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं तो ठीक है एंड सिमिलरली करेंट्स की मैं अगर बात करूं तो वन से टू के तरफ आई वन टू फेज करेंट अगले फेज की करंट होगी आई टू थ्री और थ्री से वन की तरफ आई थ्री वन तीनों फेज करेंट्स को भी मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो ब्लू कलर से मैंने जितना भी कुछ एक्सप्रेस किया हुआ है। फेस क्वानिटीज अब लाइन क्वानिटीज के टर्म में अगर मैं बात करूं तो देखते हैं line quantities क्या क्या होंगी तो तीन टर्मिनल्स निकलेंगे इनके मीटिंग पॉइंट पर जहां दो वाइंडिंग्स मिलती है वहां से निकल रहे हैं तीन टर्मिनल्स जो जुड़ते हैं इस सर्किट से यानी जो इस डेल्टा फॉर्मेशन की कॉयल्स को एक्चुअल एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो यहां पर बनने वाली जो क्वांटिटीज होंगी इनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे भी, वो भी देख लेते हैं जो ये पॉइंट वन है ये पॉइंट आर की तरह बिहेव कर रहा है वन यानी जो सबसे आगे चलता हुआ फेस सबसे लीडिंग फेस ठीक है तो इसी को आप चाहे तो आर भी लिख सकते हैं जो टू है ये वाई फेस को एक्सप्रेस कर रहा है तो वाई और जो थ्री है ये फेज बी को एक्सप्रेस कर रहा है तो बी तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वोल्टेज और करंट को लाइन के फॉर्म में अब एक्सप्रेस करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं सारी करेंट्स को आई आर आई वाई

फर्स्ट थिंग लाइन वोल्टेजेस लाइन वोल्टेजेस टू अदर लाइन वोल्टेज दैट इज वी वाई बी एंड दैट शुड ऑल्सो भी आर और कलेक्टिवली हम लोग इनको वी एल लिख सकते हैं इन द सेम वे ऑल द लाइन करेंट्स कैन बी एक्सप्रेस एज आई आर इक्व टू आई वाई इक्व टू आई बी कलेक्टिवली आई एल लिख सकते हैं हम लोग इन सबको और अगर मैं फेस क्वांटिटी के फॉर्म में बात करू तो फेज क्वांटिटीज में सबसे फर्स्ट फेज वोल्टेजेस फेज वोल्टेजेस वी वन टू वी टू थ्री एंड वी थ्री वन All three are equal. Therefore, V12 equals to V23 equals to V31. collectively, इनको जैसा पिछली बार स्टार में हम लोगों ने लिखा हुआ था VPH, तो यहां पे भी the phase currents टू आई टू थ्रीवस टू आई थ्री वन इक्वस टू equals to IPH. तो पिछली बार की तरह जो कि ये बैलेंस सिस्टम है तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर भी सभी ये करेंट्स भी एक दूसरे इक्वल है लाइन करेंट्स और लाइन वोल्टेजेस भी आपस में एक दूसरे के बराबर है ठीक इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि अब रिलेशन जब हम डिराइव करेंगे लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बीच में और लाइन करंट एंड फेस करंट के बीच में तब देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन स्टैब्लिश होता है तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि डेल्टा कनेक्शन इज नथिंग बट अ बैक टू बैक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द थ्री सेट ऑफ वाइंडिंग्स या कनेक्शंस वेयर इन द इनर मोस्ट सेक्शन जो भी वोल्टेजेस और करंट बन रहे हैं दे आर नोन एज फेज फेज वोल्टेज एंड करंट आउटर सेक्शन या टर्मिनल्स के बीच में बनने वाले फेज वोल्टेज सॉरी जो वोल्टेज और करंट है उनको हम लोग बोलेंगे लाइन वोल्टेज एंड लाइन करेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन लाइन क्वान्टिटीज एंड फेज क्वानिटी फॉर अ बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम तो आइए देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है इनके बीच में ठीक है तो आइए चलिए देखते हैं फेज रिलेशन कि लाइन uh, और फेज क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस फॉर अ बैलेंस्ड थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम तो एक बार फिर से मैंने यहाँ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम ड्रॉ करके रखा हुआ है ब्लैक कलर से सारी क्वांटिटीज जो बनी हुई है ऑल आर फेज क्वांटिटीज रेड कलर से बनी हुई क्वांटिटीज ऑल आर लाइन क्वांटिटीज तो आप देखते हैं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस तो सबसे फर्स्ट थिंग ऑल द लाइन वोल्टेजेस आर गिवन एज वी आर वाई वी वाई बी एंड वी बी आर Similarly, all the phase voltages are given as V12, V23 and V31. ये सभी phase voltages हैं. Collectively Vph लिख सकते हैं और line voltages को collectively Vl लिख सकते हैं. तो अगर आप इसको uh, judge करेंगे इस point से, तो point one से two के बीच में देखिए यहाँ पे जो voltage है phase में, this is V12. And similarly on the same side line voltage भी है VRY. तो अगर आप इन दोनों को compare करेंगे, तो you will find that VRY, VRY. is directly equal to V12 just by observation. V12 first part वन टू फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा पहली लाइन वोल्टेज और पहली फेस वोल्टेज के बीच का रिलेशन आपको मिल जाएगा And since it is a symmetrical और balanced system तो बाकी की लाइन और फेस वोल्टेज के बीच में भी यही रिलेशन होना चाहिए या तो आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं या तो सिमेट्रिकल सिस्टम है तो वैसे भी सारी चीजें सेम ही होंगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वी वाई बी शुड बी इक्वल टू वी टू थ्री तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता वी वाई बी should be equals to V two three V two three और अगर थर्ड phase के सिस्टम को आप अगर देखेंगे तो थर्ड में भी आपको ये वैल्यू मिलेगी VBR is equals to इक्वस टू वी और सिंस हम लोगों ने पहले ही लिख के रखा हुआ है कि ऑल ऑफ these लाइन वोल्टेजेस आर इक्वल टू ईच अदर तो इसका मतलब हम लोग इन सभी लाइन वोल्टेजेस को कलेक्टिवली लिख सकते हैं वी एल और ये सभी की सभी फेज वोल्टेजेस वी वन टू वी टू थ्री एंड वी थ्री वन ऑल ऑफ दी थ्री फेज वोल्टेजेस आर इक्वल टू इच अदर एंड दे कैन बी कलेक्टिवली रिटर्न एज वी पी एच तो फाइनल रिलेशन जो आपको मिला डेल्टा के केस में दैट इज द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज फॉर अ थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम तो बैलेंस डेल्टा कनेक्शन अगर है तो यहां पे लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होगी तो क्या ये सेम थिंग करेंट्स पे भी अप्लाई होता है इसको चेक कर लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लिखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस करेंट्स ठीक है तो बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्शन के केस में लाइन और फेस करंट का क्या रिलेशन होता है अब उसको भी चेक कर लेते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग लाइन सिस्टम है तो लाइन करेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली आई एल लिख सकते हैं दे आर आई आर आई वाई एंड आई बी सिमिलरली फेस करेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं आई पी एच फेस करेंट्स आर गिवन आई पी एच दैट इज इक्वस टू आई वन टू आई टू थ्री एंड आई थ्री वन ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं कलेक्टिवली आई पी एच लिखा जा सकता है तो क्या ये एक दूसरे के भी बराबर हैं तो आइए चलिए देख लेते हैं फॉर्म में रिलेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं इसको तो आप याद कीजिए जब स्टार का कंडीशन था वहां पे करेंट्स डायरेक्टली इक्वल थी एक दूसरे के लाइन और फेस दोनों की कंडीशन में तो उस कंडीशन में हम लोगों ने वोल्टेज का रिलेशन डिराइव किया हुआ था और वोल्टेज के लिए कौन सा लॉ यूज किया था किच्स वोल्टेज लॉ अब यहां पे हमारे पास तीन डायरेक्शन की करंट है और हमको अब इनका रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ ठीक है तो पिछली बार हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज किया था अब यूज करेंगे करंट लॉ फॉर और द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस करेंट्स तो अब लिख सकते हैं बाई किरचॉफ्स ऑफ करेंट लॉ एट जंक्शन आर या जंक्शन वन जो भी चाहे आप लिख सकते हैं तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए हम लोग इनको क्या लिखने वाले हैं तो सबसे पहले इनकमिंग करंट दैट इज आई थ्री वन चूंकि ये फेस करंट है तो ब्लैक पेन से इसको तो मैं लिख रहा हूं आई थ्री वन इनकमिंग करंट है इसलिए पॉजिटिव साइन मैंने इसके लिए यूज किया हुआ है आउट गोइंग करंट है आई वन टू जंक्शन पे तो इसलिए माइनस आई वन टू और आई आर भी यहां पर आउट गोइंग करंट ही है लेकिन लाइन के फॉर्म में इसलिए रेड पेन यूज करूंगा माइनस आई आर उसके बाद जीरो ठीक है मैंने के सी एल अप्लाई किया फर्स्ट जंक्शन पे इनकमिंग करंट आई थ्री वन पॉजिटिव आउट गोइंग हैं दोनों तो दोनों को नेगेटिव से एक्सप्रेस किया ठीक अब इसके बाद मुझको करना क्या है लाइन करंट को फेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इसको एक्सप्रेस कर देते हैं क्विकली इट कैन बी ऑल्सो बी रिटर्न एज आई आर ज इक्वल टू आई थ्री वन माइनस आई वन टू एंड दिस विल बिकम आवर फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन नंबर वन पहला इक्वेशन स्टैब्लिश हो गया पहले इक्वेशन ने स्टैब्लिश किया रिलेशन बिटवीन लाइन करेंट एंड फेज करेंट फर्स्ट फॉर्म में अब सेम वे में हम लोग करते हैं बाई अप्लाइंग के सी एल एट जंक्शन वाई अब जंक्शन वाई पे अगर आप केसियल अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू देखने को मिलती है यहां पे जंक्शन वाई पे इनकमिंग करंट है आई वन टू सो वी विल राइट पॉजिटिव आई वन टू आउट गोइंग आई टू थ्री देयर फोर वी विल राइट माइनस आई टू थ्री और सेम वे में आउट गोइंग लाइन करेंट भी है वहां पे आई वाई देयरफोर माइनस आई वाई इक्व टू जीरो अगेन आई वाई इज अ लाइन करेंट इसके फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि आई वाई इज इक्वल टू आई वन टू माइनस आई टू थ्री और ये बन जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन जहां पे मैंने सेकेंड लाइन करेंट को उसकी फेस करेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इक्वेशन नंबर टू ठीक और यही काम कंटिन्यू करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए भी तो थर्ड इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं बाई अप्लाइंग के सी एल एट जंक्शन बी अब जंक्शन बी पे एक बार फिर से के सी एल अप्लाई कर लेता हूं मैं तो जंक्शन बी पे जैसे के सी एल अप्लाई करूंगा देखिये ये है जंक्शन बी इसके लिए भी इनकमिंग करंट अगर मैं देखू तो आई टू थ्री इज एक्टिंग एज अ इनकमिंग करंट फॉर दिस जंक्शन तो मुझको इसको पॉजिटिव में लिखना होगा तो माई प्लस आई टू थ्री देन आउट गोइंग करंट फ्रॉम दिस जंक्शन इज आई थ्री वन So, इसको लिखेंगे माइनस आई थ्री वन और आउट गोइंग करेंट लाइन के फॉर्म में जो है यहां से दिस इज आई बी तो इट विल बी रिटर्न माइनस आई बी तो अगेन लाइन करेंट एक्सप्रेस करते हैं फेस के फॉर्म में तो वी कैन राइट आई बी इज इक्वल टू आई टू थ्री माइनस आई थ्री वन और ये बन जाएगा थर्ड इक्वेशन जहां

तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैं इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लूं तो वो सेम आइडेंटिटी बाकी के दोनों पार्ट्स पे भी अप्लाई होंगी ठीक है तो मैं एक काम करता हूं आई विल राइट टेकिंग इक्वेशन नंबर वन जरूरी नहीं है इक्वेशन वन को ही सॉल्व किया जाए इक्वेशन टू और थ्री को भी आप सॉल्व कर सकते हैं इनफैक्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा इक्वेशन टू और थ्री में से भी किसी को सॉल्व करने का ठीक है सो आई विल टेक इक्वेशन नंबर वन और इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं हियर आई विल राइट आई आर इज इक्वल टू अब आई थ्री वन आई वन टू माइनस आई वन टू तो मैं पैरलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं और मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट आई थ्री वन का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस आई वन टू स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस टू आई थ्री वन आई वन टू कॉस फाइव ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा ठीक है वेयर द थीटा इंडिकेट्स फेस डिफरेंस एंगल बिटवीन प्लस आई थ्री वन एंड माइनस आई वन टू इसको ध्यान रखिएगा ठीक है फिर अब इनको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं तो उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं आई आर इज लाइन करंट सो सीधे सीधे मैं इसको लिखूंगा आई एल क्योंकि मैं इन जनरल इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं फॉर आर वाई एंड बी तीनों ही फेजेस के लिए तो अब इसको अगर फेज के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करूं तो मैं यहाँ पे ये यह जितनी भी करेंट्स हैं ऑल आर फेज करेंट्स तो इनको भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ तो दिस विल बिकम आई पी एच स्क्वायर प्लस आई पी एच स्क्वायर प्लस टू आई पी एच स्क्वायर कॉस सिक्सटी डिग्रीज अगेन आई हैव जस्ट अज्यूम्ड फेज एंगल ऑफ सिक्स डिग्री ग्रेजुअली जब हम लोग अपने फेजर डायग्राम पे जाएंगे तो आपको फिर से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों 60 डिग्री मैंने लिया हुआ है बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फाइव या 60 डिग्री ये एक्सप्रेस कर रहा है कि फेस डिफरेंस एंगल बिटवीन प्लस आई थ्री वन और माइनस आई वन टू इतना है जो मैंनेज्यूम किया हुआ है अब वो जब फेजर बनाएंगे तो चेक करेंगे कि वाकई में होता है या नहीं है ठीक है तो अब इसके आगे इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं सो नाउ वी कैन राइट आई एल इज इक्वल टू सिक्सटी पुट कर दिया वन पॉइंट टू टू एंड टू कैंसल आउट हो गया तो अंदर बच रहा है अंडर रूट थ्री आई पी एच स्क्र फोर फाइनली वी कैन राइट आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री आई पी एच ये रिलेशन आ गया फाइनल फॉर अ थ्री फेज बैलेंसड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बिटवीन लाइन करंट एंड फेस करंट तो लाइन करंट इज़ रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस करंट्स दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन तो ये तीनों ही फेजेस पे अप्लाई होगा अगर आपका सिस्टम सिमेट्रिकल है तो तो so, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं इस पूरे डेरिवेशन को या तो आप चाहें तो इसको इसका स्क्रीन ले सकते हैं फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं ध्यान बस इतना रखना है आपको कि न्यूमेरिकल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट इज ऑलवेज रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस करेंट्स वेर एज फॉर द सेम डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेजेस विल बी इक्वल ये ध्यान रखने वाली बात है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बता देता हूँ इक्वेशन पूरा यही रहेगा बस ये डायग्राम मैं इरेज करूंगा और इसकी जगह पे आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा सिंस रूट थ्री का रिलेशन आपको करेंट्स के बीच में मिला है तो जो फेज़र हम लोग बनाएंगे वो भी करेंट्स के फॉर्म में ही बनाएंगे ठीक तो है तो आइए देखते हैं कि फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और चूंकि ये बहुत क्लियर है आप ये तीनों इक्वेश्स को देख लीजिए एक बार इक्वेशन नंबर वन टू और थ्री जो एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइन करेंट्स को फेस करेंट्स के फॉर्म में तो ऑब्वियसली थिंग है कि लाइन करंट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फेस करेंट्स तो कभी भी हम लोग रिजल्टेंट को पहले ड्रॉ नहीं करते हैं हमको सबसे पहले तो कंपोनेंट्स को ट्रेस करना होता है तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर आप फेस सीक्वेंस के हिसाब से लिखें तो आई वन टू सबसे पहली फेस करंट होगी आई टू थ्री सेकेंड फेज करेंट होनी चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से और आई थ्री वन लास्ट फेस करंट होगी अपने फेस सीक्वेंस के हिसाब से तो उसके अकॉर्डिंग मुझको सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करना चाहिए पहली फेस करंट आई वन टू और 120 डिग्री फेस शिफ्टेड इससे होना चाहिए आई टू थ्री और इससे 120 डिग्री अपार्ट आई थ्री वन ठीक है इनके बीच का फेस डिफरेंस एंगल भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे 120 डिग्रीज इन दोनों के बीच भी 120 डिग्रीज और इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री अपोजिट सेक्शन में अगर देखें तो फिर उसके बाद आप देखिए ये जितनी भी इक्वेशन लिखी हुई है सभी में तीनों नेगेटिव फेजेस भी अवेलेबल हैं यानी माइनस आई वन टू माइनस आई टू थ्री माइनस आई थ्री वन तो मतलब जो पॉजिटिव फेजेस आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा अब उनको नेगेटिवली एक्सटेंड करना भी ज़रूरी है नेगेटिव फेज में भी उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा तो अगर पॉजिटिव आई वन टू यहाँ पे है इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव आई वन टू इस डायरेक्शन में होना चाहिए वैसे ही पॉजिटिव आई टू थ्री अगर इस डायरेक्शन में है तो मैंटिव आई टू थ्री यहां कहीं पे ड्रॉ करूंगा माइनस आई टू थ्री और सेम वे में मैं ड्रॉ करूंगा माइनस आई थ्री वन ठीक है अब जैसे ही मैं ये सारे फेजेस ड्रॉ किया तो जो ये वन ट्वेंटी डिग्री अपार्ट थे तो अब इन दो सेक्शंस के बीच का जो डिफरेंस होगा ये सिक्सटी डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस जो होगा दिस विल आल्सो बी ऑफ 60 डिग्री ये सेक्शन भी 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री का डिफरेंस और ऐसे जितने 120 डिग्री के डिफरेंसेस थे अब ये सब दो दो हाफ में बढ़ गए तो ऑल विल बी ऑफ 60 सिक्सटी तो अब एक बार याद कर लीजिए कि जब मैं डेरिवेशन आपको करवा रहा था तो मैंने यहाँ पे बोला हुआ था कि कॉस फाई को मैंने थोड़ी देर के लिए सिक्सटी डिग्री एज्यूम कर लिया सिक्सटी डिग्री क्यों एज्यूम किया वेयर फाई यूज टू इंडिकेट फेस डिफरेंस एंगल बिटवीन प्लस आई थ्री वन एंड माइनस आई ठीक है प्लस i31 और माइनस i12 के बीच का फेज डिफरेंस फाई है और फाई को मैंने लिया 60 डिग्री बोलने का मतलब है इन दोनों सेक्शंस के बीच का फेज डिफरेंस 60 डिग्री का तो आइए ट्रेस कर लेते हैं दोनों को प्लस i31 थ्री वन एंड माइनस आई वन टू दिस इज प्लस आई थ्री वन दिस इज माइनस आई वन टू एंड देयर फेज डिफरेंस इज ऑफ सिक्सटी डिग्री ये रीजन था कि वहां पे मैंने डेरिवेशन में 60 डिग्री यूज किया ठीक है अब करना क्या है कि हम लोगों ने कंपोनेंट्स को बना लिया

यहां पे जो रिजल्टेंट करंट हम लोग ड्रॉ करेंगे दिस करंट इज आई आर द करंट आई आर ठीक है इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन के बेसिस पे आई वाई इज इक्वल टू प्लस आई वन टू और माइनस आई टू थ्री तो प्लस आई वन टू एंड माइनस आई टू थ्री के लिए भी पैरेलल कंपोनेंट ले लेते हैं जल्दी से और इनका जो रिजल्टेंट है उसको आई वाई लिखेंगे लास्ट इक्वेशन के हिसाब से आई बी शुड बी इक्वल टू प्लस आई टू थ्री एंड माइनस आई थ्री वन प्लस आई टू थ्री और माइनस आई थ्री वन पैरल कंपोनेंट इन दोनों का भी ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है जहां पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं वहां ड्रॉ कर लेते हैं आई बी तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी इसको नेमिंग कर दिया आई बी और ये आपके सामने पूरा थ्री फेज सिस्टम बैलेंस कंडीशन का ग्राफ अवेलेबल है फॉर डेल्टा कनेक्शन इज एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन लाइन करेंट्स एंड फेस करेंट्स तो इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस करेंट्स और ये इसका ओवरऑल ग्राफिकल एक्सप्रेशन होता है ये फेजर के फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस ऐसे किया हुआ है ठीक है तो आई होप कि आपको इन uh, uh, दोनों पार्ट से ये जो ये प्रेजेंट पार्ट जो अभी हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं और इससे प्रीवियस पार्ट जो हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था स्टार कनेक्शन का इन दोनों पार्ट से आई थिंक कि आप लोगों का कनेक्शन वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा क्योंकि जितने भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं थ्री फेज ए के उन सभी न्यूमेरिकल्स के लिए आपका ये कनेक्शन वाला पोर्शन क्लियर होना जरूरी है अगर ये कनेक्शन का पार्ट आपको नहीं क्लियर है ये रिलेशन आपको नहीं क्लियर हैं तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी क्रूशल पार्ट सो आई होप ये दोनों वीडियोज़ के हेल्प से आपका इतना पार्ट क्लियर हो जाएगा और अपने इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर इन थ्री फेज ए सी का और उसके बाद से फिर हम न्यूमेरिकल्स पर डील करना शुरू करेंगे तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस फिलहाल वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ यहीं पर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे और थ्री फेज ए सी के इंडिविजुअल तीन वरायटी के पावर्स के बारे में बात करेंगे सो so तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच